रामपुर में चुनाव के दौरान पहले शुरू हुई आजम खान और अफसरों की तकरार अब बहुत आगे तक पहुंच गई है। आजम खान ने मंगलवार को आरोप लगाया कि प्रशासन मतगणना में गड़बड़ी करने और उनकी हत्या कराने का मंसूबा बना रहा है। कि किसी तरह की कोई अनहोनी हो सकती है तो उसको लेके हमने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर दिए। साथ ही साथ जितने भी तथ्य उन्होंने दिए हैं कि साहब ये या उस तरह की कोई चीज़ हो सकती है तो उन तथ्यों पर भी हम जांच कर रहे हैं। जो विधिक प्रक्रिया उसके तहत कार्रवाई हो रही है उनकी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम पहले भी थे, फिर भी अगर कोई आशंकाएं हैं तो उनसे मिल लिया गया है। इस तरह की कोई भी बात अभी पर्टिकुलर नहीं है। उन्होंने कहा था कि किसी स्थिति में हो सकता है कि कोई रेकी वगैरह कर रहा हो तो वहाँ पर पिटी। अच्छा, अभी तक आजम खान देखिए हर एक चीज़ को हम गंभीरता से ले रहे हैं। हमारी टीम है, टीम के अगर टीम के किसी मेंबर को किसी तरीके की आशंका होती है ये आप इसको खतरे के तौर पे गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहीं खतरे की बात कही है, उन्होंने सिर्फ सतर्कता की बात कही है। और अगर कहीं कोई आशंका होती तो सतर्कता तो हम हमेशा बरतने की कोशिश करेंगे ही, हम बरतेंगे ही, तो उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया जाना चाहिए। बहुत सीधी सी बात है, उन्होंने कुछ उनको चीज़ें ऑब्जर्व की, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उन्होंने कोई मुद्दा रखा है उसको हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं। उसको हमारी पुलिस की टीम जो है उसको उसका विश्लेषण करेगी, उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो चीज़ें हैं उनको दूर करने की कोशिश करेगी। अगर कहीं कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। सर, कुछ सुरक्षा भी बढ़ाई गई है इन अफसरों की? देखिए हम उसमें कहीं से भी इस तरीके की बात नहीं हुई है कि उनको बहुत भारी सुरक्षा की आवश्यकता। उन्होंने बस ये कहा है कि सुरक्षित रखने की मतलब इन जो जिन बेसिस पर उन्होंने आशंकाएं व्यक्त की है उनकी जांच कर ली जाए और उसके लिए जो ज़रूरी कार्रवाई है वो की जाए ताकि वो उनको घर पे या ऑफिस पे वो इन तरीके के एलिमेंट से सुरक्षित रहें। उतना काम पुलिस मतलब कहीं ना कहीं माना है उन्होंने कि खतरा है। देखिए उनका आधार भी जो भी उन्होंने दिया है उसका एक आधार भी दिया है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि उस आधार की हम जांच करें और जांच करने के बाद जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसको हम करेंगे।